सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला कुछ स्टेप्स की फोटो एडिटिंग करना। तो आप लोगों को बहुत सारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों को बस यह नाम लिखना, नाम लिखकर एक इमेज क्रिएट करके आप लोगों को बस दिखा देते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अपने साथ इसे क्रिएट करने के साथ साथ अपने फोटो, अपने फेस भी ऐड किस तरह कर सकते हैं, और आप अपने फेस पे भी बना सकते हैं, दूसरे के फेस को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप लोग अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कमाल कमाल की फोटो मैंने एडिट कर रखा है। अगर यहाँ पे इसे भी आप लोग अपने पीछे बैकग्राउंड में नाम लिखना चाहें तो आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे भीम इमेज क्रिएटर आप लोग को टाइप कर लेना है। आप लोग को इसका डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैं मतलब टेलीग्राम पे आप लोग को जरूर दे दूंगा। और आप लोग को जो भी मैं इसमें कैप्शन वगैरह यूज करूंगा वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी कॉपी कर लेंगे या टेलीग्राम चैनल भी से कॉपी कर सकते हैं। तो आप लोग करना क्या होगा, ये वाली मतलब यहाँ पे ऐसे लिख कर आप लोग को सर्च कर लेना है। उसके बाद से इमेज क्रिएटर पर आप लोग को सर्च क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप लोगों को कुछ इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद से नीचे कुछ इमेज शो होगी। आप लोगों को यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को ये कैप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी मैं कैप्शन दूंगा आप लोग उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद से आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोग को साइनअप करने, जब यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो साइनअप के लिए बोलेगा। तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का मतलब वेबसाइट है, इसमें आप लोगों को कुछ भी मतलब नंबर वगैरह कुछ भी लीक होने वाला नहीं है। आप लोग यहाँ पे इसमें डायरेक्ट आप लोग साइनअप कर लेंगे। साइनअप करने के बाद से अब आप लोग करना क्या होगा कि यहाँ पे आ जाना है। कैप्शन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना नाम ऐड कर रखा है, सोनू एडिटर। तो आप लोग यहाँ पे सोनू एडिटर को हटाकर अपना नाम ऐड कर सकते हैं, या जो भी आप लोग को मतलब अच्छा लगे आप लोग ऐड करना चाहें आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जो आप लोग टाइप करेंगे वो आप लोगों को फोटो में शो होगा। उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से गर्ल वाली फोटो के जो भी गर्ल का पीएनजी मतलब सॉरी जो भी गर्ल का मतलब फोटो है उस पर आप लोग का नाम चाहिए, तो आप अपने गर्लफ्रेंड का या किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं। जो भी नाम आप लोग को पसंद है वहाँ पे यहाँ पे ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे इसको टाइप करके हटा देंगे, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। विथ नेम सोनू एडिटर लिखा है तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम इसको हटाकर अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद से आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ पे देखिए लोडिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद से आप लोग करना क्या होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद से यहाँ पे नीचे कुछ इस टाइप से आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे शो होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं इमेज, यहाँ पे ये वाली शो नहीं होगा, ये तो मैंने पहले यूज किया है, बनाया है, उसके बाद यहाँ शो हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ नहीं देखिए, यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे शो होने के बाद अब आप लोग इसको डाउनलोड किस तरह करना है आप लोगों को मैं बता दूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे नीचे शेयर के बगल में आप लोग देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से अब आप लोग अपने जो भी फोटो को मतलब चेंज करना चाहें फेस, आप लोग यहाँ पे इसको शेयर कर लेना है। जैसे मतलब ये वाली फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे ये वाली ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ, इसको आप लोग यहाँ पे शेयर कर लेना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो आप लोग को यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे शेयर कर लेना है। उसके बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रॉल करना है। अब आपने जो भी मतलब फेस लगाना चाहें यहाँ पे एड फोटो क्लिक करेंगे। एड फोटो क्लिक करने के बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे मैं फोटो को बैकग्राउंड पहले से रिमूव करके रखा हूँ। जो भी मतलब आप लोग, बस मैं बता देता हूँ कि आप लोग करना कैसे, आप लोग हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, मतलब जो भी आप लोग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, बस आप लोग को दिखाने के लिए कोई से भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली फ़ोटो को अप्लाई कर लेता हूँ, कोई सा भी एक फ़ोटो मतलब कोई सा भी एक पीएनजी कोई अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे उसके हिसाब से कोई तो मिल नहीं रहा है, चलिए मैं इसको लेकर दिखा देता हूँ। उसके बाद से इसे आप लोगों को बड़ा करना है, बड़ा करने के बाद से इसे क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद से अब यहाँ से ये वाली ऑप्शन को यहाँ ऐसे कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेना है, बस फेस को आप लोग क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद से इसे लेकर यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। आप लोग को ये वाले एडजस्ट करने के बाद से आप फेस को मैच करा लेना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन से। अगर लाइटरूम एप्लीकेशन से मैच कराना नहीं आता तो प्रीसेट मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी प्रीसेट कोई भी उठाइए और डाल दीजिए, पेस्ट करेंगे आप लोग फेस मैच हो जाएगा। नहीं मैच होता कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत इससे भी आसान तरीका मैं बता दूंगा।